फ्रेंड्स, आपका मेरे निष्ठा होम किचन में स्वागत है। आज मैं आपको घर में कच्चा बेल कैसे पकाते हैं ये तरीका बताऊंगी। ये राणा जी का रिक्वेस्टेड वीडियो है और उन्होंने पूछा था कि कच्चा बेल कैसे हम घर में आसानी से पका सकते हैं, तो यह हम आपको तरीका बता रहे हैं। और यदि मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली हर नोटिफिकेशन आप पर तुरंत पहुंच जाए। चलिए देखते हैं कि कच्चा बेल कैसे पकाते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो को फुल देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। सबसे पहले हम एक पेपर ले लेंगे और पेपर के अंदर बेल को देखिए रख लिया है अच्छे से, और पेपर को 4-5 लेयर दार पेपर लेंगे, सिंगल पेपर नहीं लेंगे, 4-5 लेयर वाला पेपर लेंगे, जिसको एक के ऊपर एक रख के और उसको अच्छे से फोल्ड करते हुए चारों तरफ से लपेट देंगे। और लपेटने के बाद इसके ऊपर हम सेलो टेप से इसको चिपका देंगे कि जिससे ये पेपर खुले ना। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने पहले चारों तरफ से लपेट दिया है, अब हम इसके ऊपर चारों तरफ से सेलो टेप से चिपका लेंगे। और देखिए, चारों तरफ से हम इसमें सेलो टेप लगा देंगे अच्छे से, और देखिए इसको अच्छे से हम पैक कर ले रहे हैं इसके दोनों तरफ से फोल्ड करके, और इसके ऊपर टेप लगा दिया है। ये देखिए, टेप लगा के बिल्कुल इसको चारों तरफ से पैक करके बिल्कुल तैयार कर लिया है। और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हवा कहीं से भी पास नहीं हो सकती है। अब इसके बाद हम एक कार्टून डिब्बा लेंगे, ये दफ्ती का है, और इसके अंदर मैं इसको बेल को रखूंगी। तो इसके अंदर नीचे पहले पेपर डाल दिया है, और पेपर के बाद इसके ऊपर से भी पेपर को अच्छे से भर दूंगी इसी में, और फिर इसके बाद इसको ऊपर से अच्छे से सील कर दूंगी। ये डब्बा हम चारों तरफ से बंद करके रख देंगे और इसको कम से कम 48 घंटे तक रखा रहने देंगे, और बेल अच्छे से पक जाएगा। क्योंकि गर्मी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए बेल 3 दिन में आसानी से कच्चा बेल पक जाएगा। यदि बहुत ज़्यादा कच्चे बेल हैं तो उनको हम 4-5 दिन भी लग सकता है, उनको 4-5 दिन के लिए भी रखेंगे और बेल आसानी से पक जाएगा। और ये हम अब 3 दिन बाद हम बेल को खोल के देखेंगे। ये 3 दिन हो चुका है, अब हम बेल को आज निकाल के देखेंगे कि पका है कि नहीं पका है। मैंने 48 घंटे के लिए रखा था, और ये मैं बेल को खोल रही हूँ और देखते हैं कि बेल पका है कि नहीं पका है। ये मैंने सारे स्लो टेप से चिपकाया था, इसको निकाल दिया। ये देखिए, बेल बिल्कुल पीले पीले पक गए हैं, और आप देख सकते हैं बेल कितना अच्छा पका हुआ है। और अब इसको हम आपको इसको फोड़ के भी दिखाएंगे। गर्मी के सीजन में हम बेल को पकाते हैं, और ये लू से बचने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका होता है, और बेल का शरबत हमें गर्मियों में पीना चाहिए, वो बहुत ही फायदेमंद होता है। तो फ्रेंड्स, ये आपको हमने बेल पकाने का सही तरीका बताया है, और इससे आप घर में आसानी से बेल पका सकते हैं। मैं अब आपको बेल को फोड़ के भी दिखा रही हूँ कि बेल कैसा पका हुआ है। ये देखिए, बेल यहाँ पर तोड़ दिया है, और देखिए बेल अंदर से कितना अच्छा पका हुआ है और कितना पीला पीला पककर तैयार हुआ है। और इसको घर पे हमने आसानी से बेल पका लिया है। इसको मैंने 3 दिन में पकाया, 48 घंटे लगे हैं, और ज़्यादा कच्चा बेल हो तो ये 4-5 दिन भी लग सकते हैं। और देखिए, बेल बिल्कुल पक के तैयार हो गया है, और बेल खाने में तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, और इसको हम इसका शरबत गर्मी के सीजन में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। और यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो कैसा बना है। थैंक यू फ्रेंड्स।